सक्से जाम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे यूपी टेट जूनियर जो आपका 23 जनवरी 2022 में पेपर हुआ था उसका मैथ का सलूशन। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। एक कंपनी ने 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन कर दी है। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपये है तो कंपनी द्वारा जारी की गई शेयरों की संख्या। तो सवाल बहुत लंबा है लेकिन इसका सलूशन बहुत ही छोटा है। कह रहा है एक शेयर की कीमत 100 रुपये है और 25 लाख रुपए बनाने हैं तो कितने शेयर चाहिए। तो आप 25 लाख को 100 से डिवाइड कर दीजिए, यही आ जाएंगे शेयरों की संख्या। तो यहाँ देखिए कैंसिल कैंसिल, तो आपका आ जाएगा 25,000। तो ये आपको 25,000 शेयरों की जरूरत पड़ेगी अगर एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपये है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। ताश की 52 पत्ती की गड्डी से एक पत्ता स्वेच्छा से निकाला जाता है तो क्या प्रायिकता है कि पत्ता हुकुम का हो या इक्का हो। तो आप प्रायिकता का मतलब जानते हैं तो यह सवाल बहुत ही आसान सवाल हो जाता है। प्रायिकता का मतलब होता है हमें क्या चाहिए। आसान भाषा में कहें हमें क्या चाहिए अपान कुल क्या आ सकता है, कुल क्या है। ये बहुत ही आसान सी परिभाषा है। इसका मतलब होता है कि हमारे पक्ष में क्या है, हमारे पक्ष में क्या है या हमें क्या चाहिए, और कुल पक्ष क्या है या कुल क्या हो सकता है। आसान भाषा में फेवरेबल अपॉन टोटल, कितना हमारे पक्ष में है अपॉन कुल। तो आप समझिए हमें क्या चाहिए, या तो हुकुम का हो या इक्का हो। अच्छा 52 पत्ते में आप जाते हैं 13 हुकुम के 13 पान के 13 ईंट के 13 चीनी के पत्ते होते हैं, और इन्हीं में आपको पता है 4 इक्का 4 बादशाह 4 बेगी बेगम 4 गुलाम। तो आपको पता है कि हुकुम का 13 पत्ता होता है और इक्के का पत्ता कितना होता है 4। लेकिन आप बताइए यहाँ पे जो 1 इक्का का पत्ता होगा वो खुद हुकुम होगा। भैया इसका 1 इक्का इसका 1 इक्का इसका 1 इक्का इसका 1 इक्का। तो आप देखिए यहाँ पे 4 इक्के तो हैं लेकिन 1 इक्का हुकुम में, जब आप 13 पत्ती हुकुम के लेंगे तो उसमें 1 इक्का ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो 1 इक्का 2 बार आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 13 को ले लेंगे और 1 इक्के का स्थान पे हम 3 ही रखेंगे, 4 रखेंगे लेकिन समझने के लिए हम 3 रखेंगे क्योंकि हमें पता है 1 इक्का इसमें ऑटोमेटिक आ गया है। तो हमारे पास कितने पत्ते हैं जिससे हमें क्या चाहिए, हमें उस 16 पत्तों में से कोई एक पत्ता चाहिए, हमें इसी 16 में से कोई एक पत्ता चाहिए। तो 16C1 अपान टोटल पत्ता कितना है 52, इसी 52 में से कुल कित क्या है 52C1। 16C1 तो हमें चाहिए ना, इसी अगर 16 में से कोई एक पत्ता आ गया हमारा काम हो गया। तो आप 16C1 की जो वैल्यू होती है वो 16 हो जाती है और 52C1 की वैल्यू हो जाती है 52। तो यही आपका आंसर है। तो आप यहाँ पे आप देखिए ये 4 चौक 16 और 4 93 4/13 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ये बात समझिए 13 पत्ता हुकुम का है, 1 इक्का 4 होता है, लेकिन आप ये जानिए इस हुकुम के पत्ते में 1 इक्का ऑटोमेटिक आ गया है, हुकुम वाला 1 इक्का आ चुका है। तो हमें बाकी जो 3 इक्के होंगे उनको लेंगे, या ऐसे समझिए 13 पत्ता हुकुम का प्लस 4 पत्ता 1 इक्के का -1 कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे हुकुम के 1 इक्के को 2 बार काउंट कर लिया, तो 1 बार माइनस करेंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो आप सवाल लिखिए ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है तो एक्स वाई का मान बताइए। ये आपका चतुर्भुज का साइन है। तो आप जानते हैं चक्री चतुर्भुज किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी सर्किल की परिधि पे हों उनको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो आप जानते हैं कोई भी चतुर्भुज हो उसके आंतरिक कोणों का योग 360 होगा, लेकिन यहाँ पे चक्री चतुर्भुज की अलग प्रॉपर्टी होती है, आमने सामने का कोणों का योग 180 होता है। तो पता है आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3y-5 प्लस 7x+5 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ देखिए ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 7x+3y इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरा देखिए ये भी आमने सामने कोण हैं तो इनका भी योगफल 180 होगा, तो ये भी 180 के इक्वल होगा।
तो यहाँ देखिए चार एक्स प्लस चार वाई, एक्स कामन ले, वाई चार कामन ले लेंगे, हो जाएगा चार एक्स प्लस वाई, बीस उधर जाएगा हो जाएगा 160, और चार चौक 16 हो जाएगा 40, तो एक्स प्लस वाई बराबर 40 डिग्री। अब यहाँ देखिए हम वाई उठा के वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो यहाँ से वाई निकाले तो हो जाएगा 40 माइनस एक्स, और यहाँ रख देंगे 7x+3 टाइम वाई वैल्यू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, तो 7x+120 माइनस 3x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ देखिए 7 में 3x हो जाएगा 4x, और 120 हो जाएगा 180 हो जाएगा 60, तो x के लिए हो जाएगी 15, x 15 आ गया, तो y कितना हो जाएगा 40 माइनस 15, तो y आ जाएगा 25 डिग्री। तो x आ गया 15 डिग्री, y आ गया 25 डिग्री, यही आपका सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, x के किस मान के लिए आंकड़ों का बहुलक 27 होगा, आपके आप ये आंकड़ा है आपके ऑप्शन है, तो आपको बिना देखे आपको 27 को टिक कर देना है, अगर आपको 27वां ऑप्शन मिल रहा है तुरंत आप जो बहुलक होगा वही ऑप्शन होगा, क्योंकि बहुलक क्या होता है जो सबसे ज़्यादा बार हो, तो अगर x 27 ज़्यादा बार होगा तो भाई बहुलक हो ही जाएगा, तो x को 27 ही होना होगा, ये तो ट्रिक हो गया। बेसिक्स देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा बार कितनी आया है, 27 एक बार, दो बार, तीन बार और तीन ही बार है, और यहाँ पर देखिए 26 देखिए, तो 26 आपका एक बार, दो बार, यहाँ पर देखिए तीन बार, 26 आ गया। अच्छा 25 देखें, तो 25 आपका एक बार, दो बार और तीन बार, तो आप देख रहे हैं 26 भी तीन बार, 27 भी तीन बार और 25 भी तीन बार है, तो अगर x 27 हो जाएगा तो यही बहुलक 27 हो जाएगा इसका, तो यानी कि x को 27 होना पड़ेगा तभी बहुलक 27 होगा, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वैसे भी आपने बताया ट्रिक से, ऐसा सवाल जब भी दिखे आपको बहुलक पहले दे और x पूछे तो x बहुलक ही होगा। अगला सवाल देखिए, यदि x बराबर 2 y बराबर 1 z बराबर -3 हो तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब -3xyz का मान बताइए, तो आप क्या करना है वैल्यू पूरी उठा के इसमें रख देनी है, तो हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस -3 का क्यूब -3 × 1 × 2 × -3, तो यहाँ देखिए 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, -3 का क्यूब हो जाएगा 27, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 3 = 9 × 2 = 18, तो यहाँ देखिए 18 + 26 = 27 - 27, तो आपका आ जाएगा 0, यही आपका आंसर है। अगला सवाल देखिए, जतिन एक वस्तु को इसके मूल्य से 10% कम पे खरीदता है और इसके मूल्य से 10% अधिक पे बेचता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो मान लीजिए इसका मूल्य 100 रुपये, तो जतिन 10% कम पे खरीदता है, कितने खरीदेगा, 90 रुपये पे खरीदा, यानी कि ये आपका क्रय मूल्य हो गया, और बेचा क्या, इसके मूल्य के 10% ज़्यादा पे, तो मूल्य के 10% ज़्यादा पे क्या हो जाएगा, 110, ये इसका विक्रय मूल्य हो गया, तो ये क्रय मूल्य विक्रय लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे, तो आप लाभ का प्रतिशत का फार्मूला लगा दीजिए, तो हो जाएगा विक्रय माइनस क्रय 110 - 90/100, तो यहाँ से हो जाएगा 20/90/100, तो ये कट जाएगा, हो जाएगा 200/9, तो यहाँ देखिए 9 × 18 और आपका हो जाएगा 2 बचेगा, तो 22 / 2/9%, यही आपका आंसर है। अगला सवाल देखिए, यदि समीकरण x²-px+54=0 के मूल 2:3 में है तो p का मान बताइए, तो मान लीजिए जो आपके मूल हैं वो 2a और 3a हैं, 2a और 3a हैं, तो यहाँ से देखिए सम ऑफ रूट मतलब मूलों का योगफल, तो आप फल फार्मूला मूलों का योगफल होता है -b/a, अगर x²+bx+c है इक्वल टू 0 तो इसका होता है -b/a, तो -b/a करेंगे तो p/1, और मूलों का प्रोडक्ट होता है मूलों का गुणनफल c/a, तो यहाँ देखिए c/a, c हो जाएगा 54, a हो जाएगा 1, तो यहाँ देखिए हो जाएगा 6a² = 54, तो 6 × 9 = 54, a² = 9, तो a = 3, जब a = 3 आ गया तो यहाँ से p की वैल्यू देखिए, p की वैल्यू है 5a, अब a की वैल्यू 3, तो 5 × 3, तो p की वैल्यू हो जाएगी 15, यही आपका आंसर है, p पूछा था, तो आपको मूलों का योगफल और मूलों का
गुणनफल का फॉर्मूला अगर पता है तो आप ये सवाल बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो अगला सवाल देखिए, दो लंब तीस अंकों की ऊंचाइयों का अनुपात 25:64 है तथा तो उनकी व्यासों का अनुपात 4:5 है, तो इनकी आयतनों का अनुपात, तो अगर आपको लंब तीस अंकों का आयतन पता हो, ये होता है 1/3 πr² h। अच्छा मान दो है तो 1/3 πr² h1 एक हो जाएगा 1/3 πr² h2। तो यहाँ देखिए ये तो कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या r² h1/r² h2। अच्छा ये छोटी सी ऊंचाई, r होती थी त्रिज्या, अच्छा उनके व्यासों का अनुपात दिया है तो यही त्रिज्या का भी अनुपात होगा, जो व्यास का अनुपात होता है यही त्रिज्या का अनुपात होगा। तो अगर r1 है 4r तो r2 हो गया 5r। अच्छा h1 अगर मैं 25 मानूं और तो h2 हो जाएगा 64h, अगर h1 है 25 है तो h2 है 64h। तो यहाँ से आप देखिए r1 है 4r तो हो जाएगा r1² 16r², h1 है 25h, नीचे देखिए r2 है 5r तो r2² हो जाएगा 25r² इंटू h2 है 64h। अच्छा आप यहाँ पे जो मैंने r1 को 4r 5r माना है, चूंकि रेशियो पूछा है तो आप यहाँ पे अगर 4 5 भी मानेंगे तो भी आपका हो जाएगा, लेकिन चूंकि अनुपात है तो अगर आप r1 = 4 लिख देते हैं इसका मतलब हो गया r1 को वैल्यू 4 है, जबकि ऐसा नहीं है, r1 4 और 5 के अनुपात में है, न कि 4 और 5 है, लेकिन इस अनुपात पूछा है तो आपका चाहे 4r माने चाहे 4 माने तो आपका आंसर तो आ जाएगा, लेकिन सही कॉन्सेप्ट यही है आप 4r 5r माने, 4 और 5 न माने, आंसर आपको उससे भी आ जाएगा, इसको 25 मानो इसको 64 मानो एच एच को मत लगाइए तब भी आपका आ जाएगा, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका आप उसके साथ कुछ वैल्यू लगाइए, क्योंकि आपको नहीं पता ये 25 है या 25 है या 25 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे r² से r² कैंसिल, h से h, 16 चौक 64, 25 से 25 तो आया 1/4, 1/4 मतलब 1:4, तो इनकी आयतनों का अनुपात आ गया 1:4, यही आपका आंसर है। अगला सवाल देखिए, यदि a बराबर x और x क्या है, x शब्द बिलो का एक अक्षर है, तो ये जो अनुपात नहीं है ये बताता है x, हमने कहा x एक समुच्चय है x का, तो x क्या है, बिलो का एक अक्षर है। अच्छा b एक समुच्चय है जो ऊल शब्द का एक अक्षर है, यानी कि ए समुच्चय बिलो के एक एक अक्षर से बना है और बी जो है ऊल के एक अक्षर से बना है, तो कह रहा है सी जो है वो ए माइनस बी है, तो सी के उप समुच्चयों की संख्या, ध्यान समझिए उप समुच्चयों की संख्या, तो आप समझिए ए में है बी ई एल ओ डब्लू, यही होंगे किसी में से, अच्छा ए में है सॉरी, और बी में होंगे डब्लू ओ ओ एल। अच्छा ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझिए, ए माइनस बी का मतलब होता है ए में से बी निकाल दो, ए में से बी निकाल दो, या जो ए में हो, जो ए में हो बी में ना हो, इसका ये भी मतलब होता है, ए में हो बी में ना हो, दोनों का मतलब यही है, ए में से बी निकाल दो या ए में हो बी में ना हो। तो ए में देखिए यहाँ पे देखिए एल है ओ है डब्लू है, यहाँ एल ओ डब्लू, तो बी जो है ओ बी में नहीं है, तो आपका देखिए जो सी है ए माइनस बी है, तो आपका जो सी समुच्चय बनेगा वो बनेगा बी और ई से, क्योंकि ए में हो बी में ना हो, तो आपका जो बी सी समुच्चय आ जाएगा बी ई, ये समुच्चय है उप समुच्चय नहीं है। आपसे पूछा उप समुच्चयों की संख्या, तो इसका फार्मूला है 2n, n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ कितने इसमें एलिमेंट हैं उसी वही n है, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 2 यानी कि हो जाएगा 4, तो 4 उप समुच्चय, यही आपके उप समुच्चय का फार्मूला है 2n, n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट कितने हैं यहाँ पे। तो अब देखिए कौन कौन से आएंगे, एक तो b आ जाएगा, दूसरा e आ जाएगा, तीसरा बी और ई आ जाएगा, और एक आपका होता है नल, फाई नल उप समुच्चय यानी कोई जिसमें एलिमेंट नहीं होगा, तो यही आपके 4 उप समुच्चय बनेंगे।
तो इसका उत्तर हो जाएगा चार। सी के उपसमुच्चयों की संख्या हो जाएगी चार। अगला सवाल लिखिए, एक सम चतुर्भुज के बिकर 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप बताइए। तो जो सम चतुर्भुज होता है इसके चारों भुजाएं समान होती हैं, तो अगर इसका बिकर में फार्मूला देखें भुजा का, मान लीजिए भुजा ए है, इसका फार्मूला होता है अंडर रूट एक बिकर का आधे का स्क्वायर प्लस दूसरे बिकर के आधे का स्क्वायर, यही इसका फार्मूला है। तो डी एन बाई टू यानी कि 5 का स्क्वायर, डी टू बाई टू यानी कि 12 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 13 का स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ से आ जाएगा 13। तो एक भुजा आ गई 13, और आपको पता है सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं, तो परिमाप हो जाएगा 4a यानी कि 4 गुणे 13 यानी कि 52 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है। तो अगला सवाल देखते हैं, इससे पहले आपके दो थ्योरेटिकल सवाल थे, तो एक सवाल था कि इसमें से कथन सत्य पहचानिए, तो उसका आंसर था गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर हैं, ये आपका सही ऑप्शन था। और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और था कि गणित अध्यापन का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है, तो आपका ऑप्शन था शिक्षार्थियों को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो आपके दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, तो अब देखते हैं अगला सवाल। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। तो अब मानिए ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बी अगर का बी का वेतन 100 है तो ए का वेतन 125 है। अब आपसे पूछा है बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बी का वेतन, तो बी के वेतन से कंपेयर हो रहा है तो कितना कम है, 25 कम है, कितने पे, तो यहाँ पे आप देखिए ए से कंपेयर हो रहा है ए से, तो यहाँ पे आप ए की वैल्यू रखेंगे गुणे 100, तो 25 पंजे 125, 5 में 100, तो 20% कम है, यही आपका आंसर है। यहाँ पे आप समझ पाएगा 125 आएगा कि 100 आएगा। दूसरा देखिए क्या है, 25% अधिक है, मतलब अगर इसको मैं भिन्न में बदलूँ तो हो जाएगा 1/4, 1/4, अच्छा 25% मतलब एक यूनिट ज़्यादा है किससे, ये आपका आधार होता है, ये ज़्यादा या कम बताता है। तो यानी कि बी अगर 4 है तो ए 5 है, कितने यूनिट ज़्यादा है, 1 यूनिट। अच्छा अब पूछा है ए से बी कितना कम है, अच्छा ए से बी कितना कम है, 1 यूनिट, कितने पे, 5 पे गुणे 100, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 20% कम है। तो ये आपका तरीका है। दूसरा आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा R/100 + R × 100, आपने ये फार्मूला भी पढ़ा होगा, तो यहाँ से आप देखिए कह रहा है कितने परसेंट 25% अधिक है तो कितना परसेंट कम होगा, तो ये हो जाएगा 25/125 × 100, तो 25 × 125 और 5 × 100, तो 20% कम। अगर ए का वेतन बी के 25% अधिक है और आपसे पूछे बी का वेतन ए से कितना परसेंट कम है अधिक दे के कम पूछे तो आप ये फार्मूला लगाते हैं, अधिक दिया हो और कम पूछे तो आप ये फार्मूला लगाते हैं। तो आपको मैंने 3 तरीके बता दिए, पहला तरीका, दूसरा तरीका और तीसरा तरीका, जो आपको अच्छा लगे। अगला सवाल देखिए, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो दोनों संख्याएं बताइए। तो मैंने आपको पहले बताया है अगर योग दिया है, गुणनफल दिया है, तो हम उसके व्युत्क्रमों का योग पूछे तो हम योग बटे गुणनफल कर देते थे, और यहाँ पे व्युत्क्रमों का योग दिया है तो अगर ये योग है तो ये गुणनफल होगा, यानी कि अगर दो संख्याएं x y है तो उनका योग दिया है 8 और उनके व्युत्क्रमों का योग दे दिया 8/15, तो योग बटे गुणनफल होता है तो x × y हो जाएगा 15 सीधे। तो आपको ऐसा चाहे तो आप यहाँ से x × y है, x × y, तो यहाँ से आप x − y निकाल लीजिए या y के लिए यहाँ रख दीजिए, दोनों से आप हो जाएगा, तो x − y निकालिए तो x − y हो जाएगा x + y² − 4xy −4/15। देखिए x − y² हो जाएगा x + y² −4xy, मैंने वही किया है, तो यहाँ देखिए 64 - 7, यहाँ देखिए 64 - 7 हो जाएगा 4, x − y² आ गया 4, तो x − y आ गया 2 और x + y आपका है 8, तो यहाँ देखिए अगर जोड़ूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी
आर दो दस बटे दो तो हो जाएगा 8 + 2/2 5 और y हो जाएगा 8 - 2/2 यानी कि 6/2 यानी कि 3। तो एक आगे 5 एक आगे 3 यही आपका आंसर है। अच्छा आप ये पता कर मैं डायरेक्ट कैसे लिख दिया, तो आप देखिएगा दो संख्याएं x और y हैं इनके व्युत्क्रमों का योग करिए आप तो इनके व्युत्क्रमों का हो जाएगा x प्लस वाई अपान x इंटू वाई। अच्छा देखिए ये दिया है 8/15 और सवाल में दिया है योग दिया है 8। अच्छा योग 8 दिया है ऊपर भी 8 है इसका मतलब नीचे क्या होगा गुणनफल ही होगा। तो यहाँ से आप सीधे निकाल लीजिए x इंटू वाई। दूसरा तरीका क्या था कि आप यहाँ पे y इक्वल टू 15/x रखते फिर क्वाड्रेटिक बनती और यहाँ से आप सॉल्व कर लेते x तब भी आ जाता है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये सवाल देखिए एक कोई आदेश दिया है और आपसे मासिक व्यय दिया है, पूछा है कि शिक्षा और यात्रा पे अंतर 400,000 रुपये है तो परिवार की कुल आय कितनी है। तो बताइए शिक्षा में 25% खर्च हो रहा है, यात्रा 15%, तो इसका अंतर कितना हो गया 10% और इसकी वैल्यू दिया है 4,000 और आपसे पूछा है परिवार कुल आय है 100% तो 10% है 4,000 तो 100% कितना हो जाएगा 40,000। यही आपका आंसर है 40,000 रुपये परिवार की कुल आय है। अगला सवाल देखिए स्त्री और पुरुष की संख्या का अनुपात 3:2 है यानी 20 और पुरुष आने से अनुपात उलट गया तो स्त्रियों की संख्या बताइए। तो सवाल कह रहा है पहले 3:2 में स्त्री और पुरुष थे, अब हमने क्या किया 20 पुरुष और आ गए और अनुपात क्या हो गया उलट गया यानी कि अब 2:3 हो गया। स्त्रियों की संख्या को सेम बना लेते हैं क्योंकि स्त्रियां तो वही है जितनी पहले थी, तो यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है तो पहले हम इनको इक्वल बना लेते हैं तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 3 से तो यहाँ देखिए हो जाएगा 6:4 यहाँ हो जाएगा 6:9। अच्छा स्त्रियों की संख्या समान है, अच्छा ये पुरुष 4 से 9 हो गए कितने बड़े 5 यूनिट, पुरुष 5 यूनिट भरे और सवाल कर रहा है कि 20 और आए यानी कि 5 यूनिट किसके इक्वल होगा 20 के और 1 यूनिट किसके इक्वल होगा तो ये हो जाएगा 5 और 20 4 के और आपसे पूछा है स्त्रियों की संख्या स्त्रियां कितनी है 6 यूनिट तो 6 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा 6 × 4 यानी कि 24 के। यही आपका आंसर है। तो ये सवाल देखिए 3 ABC अशून्य संख्याएं हैं तो ये दिया है पूछा है k का मान तो आप इक्वल टू लैम्डा मान लीजिए तो a = 2λ b = 3λ c = 4λ तो यहाँ पर देखिए 2a = 4λ -3b यानी कि 9λ अच्छा 5c = 5 20λ अपान k इक्वल टू लैम्डा तो मैंने माना ही है तो यहाँ देखिए 20 + 24 - 9 = 15λ / k = λ तो लैम्डा से लैम्डा कट गया k बराबर आ गया 15। यही आपका आंसर है। अगला सवाल देखिए ए भी कोई दो समुच्चय हैं a - b अगर a है तो a · b। अच्छा a - b का मैंने आपको बताया था a - b मतलब a में हो b में ना हो तो ये कह रहा है a - b a ही है यानी कि b में a का कुछ है ही नहीं, मतलब a अगर कोई समुच्चय है उसमें से मैंने b को माइनस किया तो a ही मिला यानी कि b कुछ है ही नहीं a b में कॉमन, अगर कुछ भी कॉमन होता तो इक्वल a तो नहीं आता यानी कि b ऐसा है जो a में है ही नहीं कुछ और जब a में b का कुछ है ही नहीं तो a और b में कोई कॉमन हो ही सकता तो a इंटरसेक्शन b का जो आएगा मान वो आएगा 5। समझिए a - b का मतलब होता है a का b में ना हो, a का हर वो चीज़ जो b में ना हो और जब a का मैंने a में से b निकाल लिया तो मैंने देखा a ही आ गया यानी कि a में b का कुछ था ही नहीं तो अगर a का b का कुछ था नहीं तो a और b का कॉमन पार्ट कुछ होगा ही नहीं और a b का कुछ कॉमन पार्ट नहीं होगा तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 5। अगला सवाल देखिए समीकरण x²-bx + c = 0 के मूल 2 क्रमागत संख्याएं हैं तो b²-4c की वैल्यू बताइए तो आपको पता है मूल अगर एक अल्फा है दूसरा क्रमागत संख्याएं होंगी α+1 क्रमागत संख्याएं हैं तो एक अल्फा प्लस वन हो जाएगा तो आप पता है मूलों का योगफल होता है मूलों का -b/a तो यहाँ पे -± प्लस हो जाएगा b/a यानी कि 1
जैसे बी की वैल्यू आ जाएगी 2α+1, फिर यहाँ देखिए अल्फा इंटू अल्फा प्लस वन यानी मूलों का गुणनफल होता है सी बाई ए, तो सी बाई वन यानी कि अल्फा सी की वैल्यू आ जाएगी अल्फा अल्फा प्लस वन। अच्छा है, अब हमसे पूछा बी स्क्वायर माइनस फोर सी, तो मैं यहाँ से बी स्क्वायर माइनस फोर सी वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो बी स्क्वायर है 2α+1 का होल स्क्वायर माइनस 4α α+1 का गुणनफल। यहाँ देखिए 4α² + 1 फिर प्लस 4α माइनस, अच्छा आप देखिए 4 कॉमन लीजिए हो जाएगा α² + α, यहाँ देखिए ये हो जाएगा 4α² + 1 + 4α -4α² - 4α, तो -4α कैंसिल, -4α² कैंसिल, बचा क्या केवल 1, तो यही आपका आंसर है। तो मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल अगर आपको पता है तो आप आसानी से निकाल सकते थे। अगला सवाल देखिए, दो संख्याओं का मस 13 + 1989, यदि एक संख्या 117 है दूसरी संख्या बताइए। तो ये सवाल मैंने कम से कम सच में 25वीं या 30वीं बार किसी भी एग्जाम में देख रहा हूँ। तो ये उसका होता है फॉर्मूला फर्स्ट संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। तो एक संख्या 117 है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, तो 13 × 1989। अच्छा आप समझिए 13 × 9 = 117 और 9 से काटिए तो 9 × 18 9 × 18 9 = 9, तो दूसरी संख्या यहाँ से अपने आप आ जाएगी 221, यही आपका आंसर है। अगला सवाल देखिए, यदि a + 2 a + 4 अभिभाज्य संख्याएं हैं यानी कि प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, तो a के कितने मान होंगे? तो आप ध्यान दीजिए, ए को मैं क्या एक रख सकता हूं? ए को मैंने एक रखा तो 1, 3, 5 ये आपके प्राइम नंबर तो हैं, लेकिन ये देखिए ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, ये a + 2 a + 4 को मतलब संतुष्ट कर रहा है लेकिन एक आपका प्राइम नंबर ही नहीं है, तो ए को मैं एक नहीं रख सकता। अच्छा मैं ए को 2 रखूंगा तो ये प्राइम नंबर नहीं जाएगा, 3 रखा 3, 5 और 4 3 7, तो ये देखिए ये पेयर सही हो गया, a = 3 पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। फिर मैंने एक वैल्यू 4 रखा 4 रख ही नहीं सकता, 5 रखा 5 7 9 नहीं हो जाएगा, 6 2 8 नहीं हो पाएगा, 7 2 9 नहीं भी नहीं होगा, 8 2 10 नहीं, 11 2 13 11 4 15, तो यानी कि एक का कोई मान आया ही नहीं रहा है केवल 3 के अलावा, तो एक कितने मान होंगे? केवल एक मान होगा। अच्छा एक का मान पूछता कितने मान है, एक मान क्या होगा? तो एक मान होता है 3, उसी पे ये अभिभाज्य संख्याएं होंगी। अगला सवाल देखिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। हमें 4 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या नहीं बतानी है, तो ये हो जाता, लेकिन हमें ऐसी संख्या बतानी है जो पूर्ण वर्ग हो, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 99 का स्क्वायर आपका होता है 9801, यही होगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है। तो अगर आपको 99 का स्क्वायर पता है तो कर लेंगे, वैसे भी अगर 3 जीरो आ गए तो ये तो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, समझिए चीज को, अगर नंबर अब पेयर अगर 0 के पेयर नहीं बन पा रहे हैं तो ये किसी का स्क्वायर वर्ग नहीं हो सकता है। अच्छा 499, अच्छा आप 499 में 9 कॉमन लीजिए तो आपका 111 हो जाएगा। अच्छा ये तो हो गया 3 का स्क्वायर, अच्छा आप किसी संख्या का स्क्वायर है, ये किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है, तो ये पेयर नहीं बन पाएगा, तो ये भी आपका नहीं हो पाएगा।
इसको एक्स पावर 13 प्लस 1 को एक्स माइनस 1 का भाग देने पे सीएसपल पूछा है। तो यहाँ पे आप देखिए, पहले आपको भाग देके इसका कॉन्सेप्ट समझना होगा एक्स माइनस 1। तो यहाँ देखिए हम कितनी बार ले जाएं, तो एक्स पावर 12 ले जाएंगे, तो यहाँ जाएगा एक्स पावर 13 और यह हो जाएगा एक्स पावर माइनस 12। फिर आप घटाएंगे तो जाएगा माइनस प्लस, कैंसिल होके बचेगा एक्स पावर 12। तो यहाँ देखिए यहाँ एक्स पावर 12 आया, तो मैं यहाँ एक्स पावर 11 ले जाऊँगा, तो ये हो जाएगा एक्स पावर 12 और फिर माइनस एक्स पावर 11, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, कैंसिल होके एक्स पावर 11 बचेगा। तो हम देख रहे हैं पावर 13 से 11 पहुँच गया। ऐसे ही एक समय आएगा पावर एक्स में पहुँच जाएगा, और जब हम एक्स को एक्स माइनस 1 से भाग देंगे तो हम एक बार ले जाएंगे, एक्स माइनस 1 बचेगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस 1 आपका बचा है, इसको आप लिख लीजिए। तो यहाँ देखिए जब आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस 1, तो प्लस 1 में से माइनस 1 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 2, तो इसका शेषफल आ जाएगा 2। अगला सवाल देखिए, ए बी समुच्चय सी के अधिक्त उप समुच्चय हो, यानी कि दोनों अधिक्त फाई नहीं है, नल नहीं है, तो ए यूनियन क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन बी का किसके बराबर होगा। अच्छी बताइए, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया ए और बी में कॉमन, और ए और बी में कॉमन के साथ आप यूनियन लेंगे तो आपका ए ही आ जाएगा। तो ए, ये सेट ए के समुच्चय ए के इक्वल होगा। अब समझिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे, अगर मैं आपको अच्छे समझाऊँ, मान लीजिए कोई ए है, ये बी है समुच्चय, अच्छा इसमें कुछ कॉमन है, मान लीजिए कॉमन है, अच्छा ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी हो गया, अच्छा इसके साथ ए यूनियन लूँ तो ए यूनियन देखिए आप, ये पूरा ए है, इसके साथ यूनियन लूँगा तो ये पूरा अपने आप आ जाएगा, और यही पूरा क्या है, ए है, तो इसका उत्तर ए ही होगा। अगला सवाल देखिए, एक गांव की जनसंख्या 5% बढ़ जाती है, यदि वर्तमान में गांव की जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष पूर्व उस गाँव की जनसंख्या बताइए। तो मान लीजिए गांव की संख्या 2 वर्ष पूर्व एक्स थी, तो 5% बढ़ा तो 105/100 हो गया, फिर 5% बढ़ेगा 2 वर्ष बाद फिर हो जाएगा, अच्छा 2 वर्ष बाद 4410 हो गया, तो यही 4410 के इक्वल हो जाएगा। अब यहां देखिए आप, 5 21 5 20 5 21 5 20, अच्छा ये 21 से कट रहा होगा, तो 21 गुना 42, 42 2 21, तो 21 एकम 21 210, अच्छा 21 दहम्मा 210, तो यहाँ से 20 दशमलव 400, तो x बटे 400 बराबर 10 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 4000। तो पहले संख्या थी, जो संख्या थी 4000। सवाल देखिए, एक सर्वेक्षण में परीक्षकों की संख्या 40 है, यदि प्रथम 10 का माध्य 4.5 है तो शेष का माध्य 3.5 है, तो पूरे सर्वेक्षण का माध्य बताइए। तो यहाँ पे आप देखिए, प्रथम 10 का 4.5 पूछा है, तो इसका माध्य पहले आप 10 × 4.5 कर लीजिए, ये प्रथम 10 का सम आ गया, योग आ गया, फिर बचे कितने 30, उनका आप सम कर लीजिए और 40 से डिवाइड कर लीजिए, तो आपका माध्य आ जाएगा, यही आपका माध्य होगा। तो यहाँ पे देखिए 45 हो जाएगा प्लस, अच्छा 30 × 3.5, तो 30 × 90 और 30 का आधा करेंगे तो जाएगा 15, तो जाएगा 105 बटे 40। यहाँ देखिए 150/40, 1 0 से 1 0 कटा, हो जाएगा 15/4, तो हो जाएगा 4 × 12, 12 × 3 = 4 × 28, 4×5=20, तो 3.75 माध्य हो जाएगा पूरे का। अगला सवाल देखिए, 14 सेंटीमीटर वाले घन से अधिकतम आयतन का एक लंब वृत्तीय बेलन काटा जाता है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। तो ये देखिए, मान लीजिए कोई घन है, और इसमें क्या करना है, हमें अधिकतम आयतन का एक लंबवती बेलन काटना है, तो बेलन कुछ ऐसा होगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा और नीचे भी कुछ इस तरीके से ही होगा, ये कुछ ऐसा बेलन होगा, ये दोनों को टच करता हो जाएगा, तो ऐसा ही कुछ बेलन होगा। आप और अच्छे समझना चाहें, तो इसको समझने के लिए आप समझिए और अच्छे से।
तो यहाँ से नीचे नीचे आएगा और नीचे भी कुछ इस तरीके से टच करते हुए बनाएगा। तो ये बेलन जो होगा इसकी जो हाइट होगी वो इसी एज के हाइट होगी, और इसका ये देखिए ये जो डायामीटर है वो एज के पैरेलल है, यानी कि इसका जो डायामीटर होगा वो एज के इक्वल होगा और इसकी जो हाइट होगी वो भी एच के इक्वल होगी। तो यहाँ पे चौदह से घन के अधिकतम आयतन का, अच्छा ये कोर मतलब होता है एज, तो यहाँ पे कोर की इक्वल होगी, यानी कि जो हमारा बेलन आएगा उसका जो त्रिज्या होगा आर वो को 14/2 हो जाएगा कोर का आधार, और उसकी ऊंचाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी 14 सेंटीमीटर कोर के, यानी कि कोर के हाइट के इक्वल, यही कोर है यही बेलन की हाइट भी होगी, यही अधिकतम आयतन यही हो सकता है। फिर आप क्या करेंगे, आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका फॉर्मूला है ये हो गया 2πr² प्लस ये इसका जो कर्व सरफेस है 2πrh, तो 2πr² हो जाएगा, 2π कॉमन ले लीजिए, यहाँ से देखिए r की वैल्यू है 749 और यहाँ पर देखिए 7×14, अच्छा पाई को मैं 22/7 ले लेता हूँ, 2×22/7, तो यहाँ से देखिए 749 और 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2×22 = 14, 7 = 21, तो यहाँ से हो जाएगा 22×44×21, तो यहाँ से आप देखिए 21×84 हाथ लगा 8, 21×84 = 8 92, 924 सेंटीमीटर², यही आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा 924 सेंटीमीटर². अच्छा 50 संख्याएं हैं, हर संख्या को 3/5 में से घटाया जाता है, तो प्राप्त संख्या का मान -3.5 है, तो दी गई संख्या का मान बताइए, तो बहुत ही आसान सा है, तो मान लीजिए संख्या है 50, ये 100+150 इनका ऐड करिए, और ये 3/5 को अगर हर में से घटाएंगे तो कितनी बार घटाएंगे, 50 बार। अच्छा टोटल संख्या कितनी थी, 50 ही है, इसका कितना दिया है -3.5, और आपसे पूछा है इसका माध्य, तो आप कहिए x1+x50y50-53, देखिए इसका अलग करें बराबर -3.5, तो यहाँ से हो जाएगा 53 हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 53-3.5, तो हो जाएगा 49, 49×3 = 52, तो हो जाएगा 49.5, यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा ये 100+150/50 लिखा है, ये तो माध्य लिखा है ना, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो ये माध्य लिखा है, संख्याओं का माध्य आ गया 49.5, यही आपका आंसर है। तो ये सवाल देखिए, एक मैदान को 44 गायें 9 दिन में चल लेती हैं, इसी मैदान को कितनी कम या ज़्यादा गायें 12 दिन में चल लेंगी, तो जाहिर सी बात है दिन बढ़ रहा है तो गायें कम होंगी, ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, तो इसका रहा है 44×9=12×x गायें, तो यहाँ देखिए 3×9=9, 3×12=4, 11×11 तो x बराबर आ गया 33 गायें। अच्छा सवाल में आपसे पूछा है कितनी गायें नहीं चल लेंगी, नहीं कितनी कम गायें, कितनी गाय कम हो गई, तो पहले 44 था 33 हो गया, तो कितनी कम हो गई 11, यही आपका आंसर है। तो अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 10 प्रेक्षण दिए हुए हैं आरोही क्रम में, अगर उनकी माध्यिका 24 है तो आपको x का मान बताना है, तो 10 प्रेक्षण दिए हैं माध्यिका, दो जो बीच के दो होंगे उनका एवरेज हो जाएगी, तो 4 यहाँ से 4 यहाँ से घटाइए, बचा क्या ये दोनों, तो इनका एवरेज ले लीजिए x+1 x+1 + 2x - 13/2 = 24, तो यहाँ देखिए 3x - 12 = 48, तो 3x = 60, 48+12 = 60, 1x = 20, तो यही आपका आंसर है, x का मान पूछा था, x आपका 20 है, आरोही क्रम में दिया था इसलिए हमने पहले ही ले लिया, अगर आरोही क्रम में नहीं देता तो हम इसको सेट करते, पर आधिक आप तब बता सकते हैं जब आपने आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।